हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे संसदीय समितियों के बारे में कि इनका गठन क्यों किया जाता है और इन समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं संसदीय समितियों की, तो संसदीय समितियों का गठन मुख्य रूप से इस कारण किया जाता है ताकि संसद के कार्यभार में कमी आ सके, क्योंकि संसद भारतीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसका कार्य होता है देश का संचालन करना और देश से संबंधित कानूनों का निर्माण करना। इस कारण संसद के पास पर्याप्त समय नहीं होता कि वो अन्य छोटे छोटे मामलों का समाधान भी करे, तो इस कारण संसद के द्वारा समितियां गठित की जाती हैं। अब जो समितियां होती हैं, इनकी कई विशेषताएं होती हैं। पहला कि ये संसद के द्वारा ही नियुक्त व निर्वाचित की जाती हैं। दूसरा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके निर्देश के अनुसार ही इन समितियों को कार्य करना पड़ता है, और जो समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट जो होती है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसको सौंपती है। लेकिन परामर्शदात्री समिति, इस समिति का नाम याद रखें, परामर्शदात्री समिति जो होती है वो संसद की ऐसी समिति होती है जो ऊपर दिए गए इन तीन शर्तों को पूरा नहीं करती है। क्योंकि मैं बता दूं कि जो समिति होती है संसद की, उन्हें ये इन तीन शर्तों को पूरा करना काफ़ी आवश्यक है, लेकिन परामर्शदात्री समिति जो होती है वो ये इन शर्तों को पूरा नहीं करती है। तो अगर हम बात करें समितियों की, तो समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी समिति। स्थायी समिति जो होती है इसका को विशेष कार्य होता है, जबकि जो अस्थायी समितियां होती है इसका जो कार्य होता है वो अस्थायी होता है, यानी कार्य खत्म होने के पश्चात अस्थायी समितियों को हटा दिया जाता है। तो कुछ जो स्थायी समितियां हैं वो इस प्रकार है। पहली है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का जो गठन है वो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। वर्तमान में इस समिति में कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के हैं और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा के शामिल हैं। संसद द्वारा सदस्यों में से समान अनुपातिक प्रतिनिधि, याद रखें संसद द्वारा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल हस्तांतरण के माध्यम से सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो एक वर्ष का होता है। नेक्स्ट, समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 1967 से यह परंपरा है कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है ये विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट है समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी नियमितता की जांच मात्र कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर भी करती है। तो याद रखें ये अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर अपना कार्य करती है। प्रकलन समिति, प्रकलन समिति भी एक महत्वपूर्ण समिति है और यह स्थायी समिति है। इस समिति की स्थापना सन 1921 में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में आकलन या कहें हम प्रकलन समिति का गठन किया गया था। याद रखें जॉन मथाई की सिफारिश पर इस समिति का जो है गठन किया गया था। और 1921 की अगर हम बात करें तो 1921 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसमें कंफ्यूज ना हो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में जॉन मथाई ने सिफारिश की थी जॉन मथाई ने इस समिति की। तो इसके सदस्य संख्या की हम बात करें तो इसकी सदस्य संख्या कुल जो है वो 25, पहले 25 हुआ करती थी, अब यह 30 कर दी गई है, ठीक है ना। इस समिति में कुल जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और इस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व जो होता है, प्रतिनिधि जो होता है वो नहीं होता है। सदस्यों का चुनाव लोकसभा के द्वारा इनके सदस्यों में से ही किया जाता है प्रतिवर्ष। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। याद रखें प्रकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा से ही चुना जाता है, और समिति का जो कार्य होता है वो होता है कि
जो बजट होती है, बजट में सम्मिलित प्रकलनों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना। इसलिए इस समिति को सतत किफायती समिति भी कहते हैं। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समिति को सतत किफायती समिति कहते हैं? तो याद रखें, प्रकलन समिति को। तो समितियों के कार्यों पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, जो मैं बता दूं आपको, कि ये जो समितियां होती हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, इन पे कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे कि यह जो बजट वगैरह होता है, प्रकरणों की जांच तभी कर सकती हैं जब संसद में मतदान हो चुका हो। यहाँ बजट आएगा, यह बजट प्रकरणों की जांच तब कर सकती हैं जब संसद में मतदान हो चुका हो। यह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती, यानी क्वेश्चंस नहीं उठा सकती, और यह प्रतिवर्ष सिर्फ चयनित मंत्रालय, कुछ मेनली जो मंत्रालय होते हैं, उन्हीं के विभागों की जो है जांच कर सकती है, मंत्रालयों तथा विभागों की। कुछ ये अपनी इच्छा से किसी अन्य मंत्रालय की जांच नहीं कर सकती है। इसकी सिफारिश परामर्श के रूप में होती है। मंत्रालय जो होते हैं वो इसकी सिफारिश मानने को बाध्य नहीं होते हैं। तीसरी समिति है सार्वजनिक उद्यम समिति। इस समिति का जो गठन है 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार जो है किया गया था। शुरुआत में इसके सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें 10 सदस्य लोकसभा के होते थे, 5 सदस्य राज्यसभा के होते थे। 1974 में इस समिति के जो सदस्यों की संख्या है वो कुल 22 हो गई। अब 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं। इस समिति का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। विभागीय स्थायी समिति की अगर हम बात करें, तो ये कुछ ऐसी स्थायी समितियां होती हैं, जैसे कि वाणिज्य समिति, गृह मंत्रालय संबंधी समिति, मानव संसाधन विकास समिति, उद्योग समिति, कृषि समिति, रक्षा समिति, तो यह भी स्थायी समितियों की श्रेणी में ही आती हैं। तो इस प्रकार कुल 24-28 समितियों में से 8 समितियां जो होती हैं वो राज्यसभा की होती हैं, जबकि 16 समितियां जो होती हैं वो लोकसभा की होती हैं। तो ये तो था महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।